आवाज बनो, पहचान बनो, और नहीं बनना है तो कुछ नहीं बनो। उनसे मिली नजर के मेरे होश उड़ गए, आज से हो गए ने हम पराई माई। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर आपको दिखाई दे रहा होगा जीएसए यानी कि गीत आवाज एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेकर आए हैं। नए कलाकार हमेशा आकर सोशल मीडिया पर रोना रोते रहते हैं कि मैं नहीं हीरो बन रहा हूँ, मैं स्टार नहीं बन रहा हूँ। तो वही स्टार बनने का मौका तो आपको मिला है, लेकिन वीडियो पूरा आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। सर हमारे साथ मौजूद हैं जो कि नए नए कलाकार को टैलेंट देखकर और पहचान देने की प्रयास करेंगे। लेकिन सर पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया सर। आवाज़ बनो, पहचान बनो, इसका मतलब क्या हुआ और आप क्या उद्देश्य देना चाहते हैं? इसका मकसद यही है सर, आवाज़ का मकसद है आवाज़ को कोई बदल नहीं सकता है। और ये आवाज़ अगर म्यूजिकल फील्ड में हो जो हमारे कानों को साउंड करे, तो इसीलिए ये चीज़ को बनाया गया था कि गीत है, साज हमारे पास है कंपोज करने के लिए, गीत हम कंपोज करते हैं, साज करते हैं, लेकिन आवाज़ की तलाश थी, आवाज़ लोग नहीं दे पाते हैं। तो ये माध्यम मैंने बना दिया है, गीत साज आवाज़। अब आइए इस बैनर के तले, आइए अपनी आवाज़ प्रतिभा को दिखाइए। बिल्कुल, तो आइए इस बैनर के तले। थोड़ा मैं चाहूँगा कि बैनर पर कैमरामैन फोकस कर दिया जाए, इसलिए कि शायद हमारे दर्शक देख रहे होंगे तो उनको ये समझ में आएगी, यानी कि आवाज़ गीत संगीत हर चीज़ सर देने के लिए तैयार है, लेकिन आवाज़ की तलाश है। हो सकता है कि आपके पास बहुत अच्छा आवाज़ होगा, लेकिन तमाम थोड़ा कैमरा में इधर दिखाइएगा कि तमाम ऐसे ऐसे कलाकार हैं मौजूद हैं जो कि अपनी आवाज़ देने की भरपूर प्रयास कर रहे हैं। जो कि सर ये बताइए कि अभी जो आप ये जो बैनर तले कार्य कर रहे हैं, कौन कौन कलाकारों को आप मौका देंगे? देखिए आवाज़ तो हर एक के लिए है, उड़ान भरने वाला होना चाहिए। अभी फ़िलहाल मैंने जो है, मेरे पास कनेक्ट हुए हैं अरुण हैं दुर्गापुर से, ललिता मलिक है बागडोगरा सिलीगुड़ी से, ये उनकी ही बेटी हैं, बेबी गर्ल नाम मिला है टाइटल, सिलीगुड़ी से। रश्मि धीर दिल्ली से है, श्रुति है दुर्गापुर से, एंड शिवम दुर्गापुर से। ये अभी शुरुआत में मेरे पास आए हैं उड़ान भरने के लिए। बाकी और भी जितने आना चाहते हैं, बैनर्स तले हैं, आप लोग सोशल मीडिया हैं, मैं चाहूँगा कि इतना बुलाएं, कोई छूटना नहीं चाहिए। जिनके पास शिकायत होता है ना, कंप्लेन होता है कि हमें क्या कमी थी, तो आइए इस कमी को अपना पूरा कर लीजिए, आप अपनी आवाज़ दिखाइए। क्या नए कलाकारों को उभरने का मौका मिलेगा? बिल्कुल सर। कौन सा प्लेटफॉर्म आप लेकर आए हैं, कौन से चैनल के माध्यम से नए कलाकारों को प्रमोट? चैनल का माध्यम एक ही है सर, गीत साज आवाज़ जीएसए। जी, आपसे लोग जुड़ना चाहेंगे तो कैसे जुड़ेंगे? ऑब्वियसली देखिए सर, इंस्टाग्राम बने हुए हैं, फेसबुक है, कनेक्टिविटी है। नाम थोड़ा बता दीजिए आप। हाँ, इंस्टाग्राम गीत साज आवाज़ से ही नाम से हैं, फेसबुक पे भी गीत साज आवाज़ का ही है, और जो यूट्यूब चैनल्स है उस पे भी होंगे। और इसके अलावा 600 जो ऑडियो प्लेटफॉर्म है वो डैशबोर्ड वगैरह कनेक्ट कर रहे हैं लोगों के साथ, तो ऑटोमेटिक सबको पता लग ही जाएगा। कुछ कलाकार हमारे साथ मौजूद है, बड़ा अच्छा गाना गा रहे थे कि उनसे मिली नज़र मेरे होश उड़ गए। भाई होश तो हमको भी उड़ गया है भाई प्लेटफॉर्म को देखकर, क्योंकि नए कलाकारों को उभरने का बहुत बड़ा अवसर दे रहे हैं। सर ये बताइए कि आप एक गाना बहुत सुंदर गा रही थी, कहाँ से हैं आप? हम सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल से। क्या नाम है आपका? दिव्या मल्लिक। दिव्या मल्लिक, थोड़ा मैं चाहूँगा कि दर्शकों को एक गाना सुनाया जाए। क्या वही गाना गाऊँ आप? उनसे मिली नजर के मेरे होश उड़ गए, उनसे मिली नजर के मेरे होश उड़ गए। ऐसा हुआ सर कि मेरे होश उड़ गए। हाँ मैं रुकना चाहूँगा सर, अभी इस बच्ची ने बहुत ही प्यारा सॉन्ग रिकॉर्ड किया है, और बीकानेर की नमकीन साउथ की हीरोइन टाइटल दे रहे हैं इस लड़की का, तो मैं चाहूँगा कि मतलब आप इन्हीं का सर सुनिए। हो जाए अपना जो गाना। जी जब बात ना बनेगी बीकानेर की नमकीन से,
एक बार मिलवा दो मुझे साउथ की हीरोइन से, एक बार मिलवा दो मुझे साउथ की हीरोइन से। साउथ के हीरोइन से भाई मिलने की तैयारी कर रही है अपने गाने के माध्यम से, उनकी माँ भी मौजूद है। एक बड़ा अच्छा अपने पारंपरिक गीत को गाया बेटी के ऊपर, मैं चाहूंगा कि थोड़ा आपके भी मुंह से हो जाए। बीतल बचपन जहां हमार पवनी हम माए बाबा के दुलार, पड़ते से नुरवा छूटल नैहर के घर द्वार, आज से हो गई नी हम पराई माई, दे द हम के प्यारे से विदाई हो, आज से हो गई नी हम पराई माई, दे द हम के प्यारे से विदाई। क्या बात है, देख सकते हैं कि बहुत ही सुंदर इन्होंने गीत गाया और काफी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मैडम, ये जो कंपनी है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, ये गीत साज आवाज एक प्लेटफॉर्म है जो नए चेहरे को उभार रहा है और जो हर कोई आकर अपना यहाँ पे प्रतिभा दिखा सकता है। सर, क्या बात है। क्या नाम हो मैम आपका? जी, मेरा नाम सुनीता गुप्ता है। सुनीता गुप्ता जी, आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से हूँ, रश्मि धीर। गीत गाती है? हाँ जी, थोड़ा हो जाए जी। नई झोलनी के छैया बलम दोपहरिया बिताइला हो, नई झोलनी के छैया बलम दोपहरिया बिताइला हो, आवा बिताइला दोपहरिया बिताइला, आवा बिताइला दोपहरिया बेतैला, एह झुलनी के छैया गोरी हम दोपहरिया बेतैला हो। क्या बात है, बहुत अच्छा अच्छा आवाज़ है, लेकिन इन लोगों के पास मीडिया हो चाहे तमाम ऐसे प्लेटफॉर्म है नहीं पहुंच पाती है, ऐसे लोगों को हम लोग प्रमोट सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। आप कहाँ से हैं? जी, मैं दुर्गापुर से हूँ, वेस्ट बंगाल दुर्गापुर से हूँ, और मुझे बहुत खुशी है कि मैं आज सर के साथ यहाँ पर आई हूँ, इस स्टेज पे हूँ। ये इस मेरे बहुत बड़ा सौभाग्य है ये कि मुझे ये मौका मिला है आज। जी, ज़रूर होगा। जब से मिली नैना तुमसे मिली नैना, तड़प तड़प दिन बीते और जागी जागी रहना, जब से मिली नैना तुमसे मिली नैना, तड़प तड़प दिन बीते और जागी जागी रहना। देख सकते हैं कि तमाम ऐसे कलाकार हैं, तमाम लोग अपना टैलेंट को दिखा रहे हैं। सर, लास्ट में जाते जाते अपने कंपनी के बारे में और नए नए कलाकारों को क्या कहना चाहेंगे? सर, कंपनी अभी शुरुआत किए हैं, समय लगेगा, साथ चाहिए, सपोर्ट चाहिए आप लोगों का, जनता जो सुन रहे हैं न्यूज़ चैनल्स की माध्यम से, जितने भी आप जितनी ज़्यादा लोगों को सपोर्ट दिलाएंगे, इन लोगों की हर कोई रोजी रोटी के लिए करता है, तो इन लोग का भी रोजी रोटी इसी पे डिपेंड करता है। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो ये आगे चल करके अपने लिए, अपने ऑफस्प्रिंग, अपनी संतानों के लिए, अपनी नई जनरेशन के लिए काम करेंगे। तो यही चाहूँगा कि इनको सपोर्ट कीजिए, और जितने और छुपे हुए हैं आइए, यहाँ स्वागत है। आप इंडियन आर्मी भी रह चुके हैं और देश सेवा करते करते कलाकारों का सेवा करने का मन में जुनून कैसे आया? सर, मैं जैसे कि आपको बताया कि मैं जैज बैंड से भी मतलब ताल्लुक रखता हूँ, तो म्यूज़िक ब्लड नहीं है मेरा, लेकिन म्यूज़िक की शौक इतनी थी कि मैं चाहता था कि कुछ करूँ तो म्यूज़िक इंडस्ट्री में ही करूँ, और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गया कि अभी रिटायरमेंट, मैंने प्रीमैच्योर रिटायरमेंट लिया है, तो अब फुल टाइम मैं मतलब 1.5 साल से इन लोगों के मतलब कर रहे थे, मतलब 50-30 का ऑसम चल रहा था, लेकिन अब मैं 100% हूँ इन लोगों के लिए।
क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम कुंज गुप्ता। कुंज गुप्ता जी, तो चलिए देख सकते हैं कि देश सेवा करने वाले यानी कि इंडियन आर्मी, पहले कुंज गुप्ता जी रह चुके हैं लेकिन अब कलाकारों के प्रति एक नया प्लेटफॉर्म लेकर आए हैं, तो हमें भी प्रमोट सपोर्ट करना होगा और नए कलाकारों को भी हम लोग को मौका देने के लिए बहुत अच्छा अवसर मिलेगा। और मैं चाहूँगा कि जितने भी कलाकार भाई अगर देख रहे हैं इस वीडियो को, तो सर को सपोर्ट कीजिए, इस कंपनी को सपोर्ट कीजिए और डायरेक्ट इनसे जुड़िए, डायरेक्ट इनसे मिलिए और मिलने के बाद अपने आवाज़ को पहचान दीजिए, उसके बाद सर आपके लिए खुद तैयार हैं। तो चलिए अब जाते जाते हम क्या कहेंगे, लेकिन नए कलाकार हमेशा आकर सोशल मीडिया पर रोना रोते रहते हैं कि मुझे कोई प्रमोट नहीं कर रहा है, सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो मौका तो आपको मिला है, लेकिन जाते जाते यही कहना चाहूँगा, समय को बर्बाद तुम करोगे बउआ तो समय तुमको बर्बाद कर देगा। फिलहाल इतना ही, आपका भाई छोड़ू तो भाई।